नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मानव तस्करी की। मानव तस्करी का मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर अन्य राज्य से एक महिला को छतरपुर लाया गया और यहां पे उसे 20,000 रुपये में बेच दिया गया। उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। जिस मामले की शिकायत पीड़ित जब यहाँ पे आरोपियों के चंगुल से छूटी तो यहाँ एसपी के यहाँ पहुंची और शिकायती आवेदन देते हुए उसने कार्रवाई की मांग उठाई है। जिस मामले को लेकर पुलिस ने यहाँ पे तत्काल एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला कहाँ का है और कैसे सामने आया है। दरअसल झारखंड की रहने वाली एक महिला को काम करने के बहाने छतरपुर लाया गया एक महिला द्वारा, और इसे यहाँ पे छतरपुर लाकर एक व्यक्ति को बेच दिया गया, जिसका नाम ब्रजेश बताया गया है। यहाँ पे महिला को ब्रजेश के घर पर पहले रखा गया और उसके बाद यहाँ पे उसे एक लाख खान नाम के शख्स को 20,000 रुपये में बेच दिया गया और उसकी शादी भी करवा दी गई। उधर शादी होने के बाद जैसे तैसे पीड़ित महिला यहाँ आरोपियों के चंगुल से निकली और यहाँ पे उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सिविल लाइन थाने में उसने बताया कि उसके साथ यहाँ पे इकलाक खान द्वारा दुष्कर्म भी किया गया, साथ ही यहाँ उसे बेचा भी गया था। तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ 376, 370 के तहत मामला दर्ज करते हुए 2 महिला और 2 पुरुष को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही यहाँ पे जो गिरफ्तार हुए 4 आरोपी हैं, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष शामिल हैं, इन 4ों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो इस तरीके से झारखंड की रहने वाली एक पीड़ित महिला को काम करने के बहाने एक महिला छतरपुर लेकर आई और यहाँ पे उसे बहला फुसला कर ब्रजेश यादव नाम के शख्स के घर पर रखा और यहाँ उसका सौदा कर दिया गया। सौदा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया, साथ ही यहाँ पे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस ने अपनी तहकीकात भी की है और यहाँ 2 महिलाओं सहित 2 पुरुषों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की है। इस दौरान छतरपुर एसपी अमित सांघी मीडिया के कैमरे पर क्या कहते हैं, यह सुनिए। ये थाना सिविल लाइंस में एक युवती ने आके रिपोर्ट की कि वो झारखंड की रहने वाली है और उसको यहाँ काम कराने के बहाने लाया गया था, फिर बाद में उसके साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ। इसमें एक महिला जो है वो उसको झारखंड से लेके आई थी। इसमें धारा 376, 370 IPC के तहत थाना सिविल लाइंस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी अन्य यदि कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का होता है तो उसके विरुद्ध भी इसमें वैधानिक कार्रवाई की। महिला आरोपी भी हैं? हाँ, इसमें 2 महिला आरोपी। जो महिला है जो झारखंड से लाई, वो पहले भी कहीं हाँ, अभी उसके बारे में ये पता चल रहा है कि उसका जो आचरण है भी संदिग्ध है, जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नगांव रोड, छतरपुर। सुना आपने छतरपुर के एसपी को कि यहाँ पे किस तरीके से पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए यहाँ पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उधर इस पूरे मामले की अब गहराई से भी जांच की जा रही है। यह खबर हम तक पहुँचाई है हमारे संवाददाता राहुल माली ने।